क्या हुआ गाड़ी को? मैडम जी टायर पंचर हो गया। हाँ तो टायर बदल। मैडम जी दोनों टायर पंचर हो गया। तू क्यों हंस रहा है? हाँ? वायरलेस पे खबर कर, दूसरी वैन मंगवा। जी जी मैडम। और देख आसपास कोई ढाबा वाबा है कि नहीं। है ना मैडम जी, ढाबा है, खाना मिलेगा पर कमरा नहीं मिलेगा। कमरा तो तुझे मैं दिलाऊंगी, चलो उठ पकड़ो। अच्छा, अच्छा दिलाना, अच्छा, बाहर निकल। मैडम जी एक बात बताओ, अगर हमको सजा हुई तो कितने साल की होगी? कम से कम 14 साल के लिए अंदर जाएगा। 14 साल? अरे बाप रे बाप। मैडम जी सजा कम नहीं हो सकत है? अच्छा रिश्तेदारों की भी सजा कम नहीं होती? मतलब? मतलब रिश्ते में हम आपके हस्बैंड हो जाएं तो? फायर फायर, आपको चोट तो नहीं लगी ना? चुपचाप बैठ। मैडम जी बस एक बात, बस एक, आपको ना कातिलों को पकड़ने की ट्रेनिंग ठीक से ना मिली है। कातिल हम नहीं है, आप गलत आदमी उठा लाई हैं। तू कातिल नहीं है? ना, ना। तो फिर कौन है कातिल? मैडम जी किस्सा लंबा है, कहो तो सुनाऊं। मैडम जी खबर कर दिए हैं, गाड़ी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सुनाओ सुनाओ किस्सा। कब तीर छुटे कब आग लगे, कब खून के दिल से धार बहे, कब रात यहाँ अकेली है बिन मेरे साहब पहेली है। तू जानता है कातिल कौन है? एक मैं ही हूँ, सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ। पहले दोनों दोस्त थे, फिर एक कुर्सी के लिए दुश्मनी हो गई, एक दूसरे से जुबानी लड़ाई लड़ रहे थे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन करेगा राज और कौन करेगा आदेश का पालन। पांडे जी क्या है बे? पांडे जी माल चाहिए था। तो फिरंगियों से कहो कि कनाड़ा कुछ दिन ना खोलें, इंक्वायरी चल रही है। ये क्या कर रहे हो पांडे जी? अरे बड़ी मुश्किल से पटाए हैं, नाराज हो जाएंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी ना। अब भाई 10 करोड़ हैं, 2 करोड़ आप ले लीजिएगा। अंकल आपके कान में कनगोजर घुसाएगा क्या? कुत्ता मुद दिए, पापा कह रहे हैं कि नहीं हो सकेगा तो नहीं होगा, एक बार में समझ नहीं आता का आपको? पर पांडे जी खाम खाम बैठे बैठाए 10 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। ये ले तेरे नुकसान का मुआवजा।
ना ना भैया, पापा पिछली बार भी कह रहा हमारा काम कराए दो भैया, हमारा काम कराए दो, BMW देंगे। अब कहाँ गए तुम्हारे BMW? अबे कब आएगा मंत्री? क्या पता यार, इतनी देर से तो हम बैठे हैं यहाँ पे। और नहीं तो क्या, धूप में रंग भी जो है काला होता जा रहा है। चुप! जिंदाबाद जिंदाबाद चिपकाशंकर पांडे जिंदाबाद। ए चलो चलो उठो 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 मंत्री जी, आगे नारे लगाओ नारे लगाओ नारे लगाओ। ए बैंड बाजे वाले जोर से बजाओ, और जोर से, और जोर से। यहीं बैठे रहना, बाहर निकलना नहीं, समझे? यहाँ आवे के लिए धन्यवाद। आप लोगों के समर्थन के बिना काम हमारा मुश्किल है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी देंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस बार आपके इस नेता कृपा शंकर पांडे के साथ अन्याय हुआ है। दीनदयाल शुक्ला जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। हमने उनके लिए लोकसभा छोड़ी, दिल्ली तक सड़क बनवा दी, लेकिन उन्हें विधानसभा की चाय पीनी। अब बताइए, हमसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई मिलेगा आप लोगों को? पार्टी के कुछ लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है और इस बार हम सब लोग साथ मिलकर उन सब गद्दारों को, पार्टी के और आपके, उन सब गद्दारों को सबक सिखा। कहाँ जल्दी है? अरे पांडे का पिटुआ को किसी ने गोली मार दिया भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप गोली निकालने जा रहे हैं ना? कैसे बतिया रहे हो? अरे पांडे दोस्त है हमारा। राजनीति में कोई दोस्त यार नहीं होता है, आप ही का रूल है, है? मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली है, थोड़े दिन के लिए इन लोगों से दूर रहिए, नहीं तो धोती में दाग लग गया ना तो टिकिया घिसते रह जाएंगे। हाँ बाबूजी, हाँ बिल्कुल ठीक बोले हैं। देखिए बाबूजी, बाल सफेद होकर कुर्सी मिलने वाली है आपको, और दागी कुर्सी हजाम की होती है, हजाम की, जिस पर हर कोई बैठता है। तो आप सोच लीजिए ठंडे दिमाग से कि आपको साफ सुथरी कुर्सी पर बैठना है या दागी कुर्सी पर, फैसला आप पर है। हेलो।
जी भाई जी। इस किसी पे भी शक होए, उड़ा दो उसको। अब इस काशी में कृपा शंकर पांडे का तांडव होगा। तांडव होगा। ये सब क्या हो रहा है? लोग क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं? पिछले एक महीने में 27 लोग मारे जा चुके हैं। सर, ये पांडे जी और शुक्ला जी के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी का नतीजा है। पांडे को शक है कि उसके बेटे को शुक्ला ने मरवाया है। ओके, ठीक है, बैठो। सर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सब हम क्या सुन रहे हैं? जवान बेटा खोया है मैंने और मेरे बेटे को इसने मारा है। देखो कृपा शंकर, हद में रहकर बात करो, नहीं तो। का नहीं तो? जैसे छुपके हमारे बेटे को मारा है वैसे हमें भी मार डालोगे हैं? अरे सामने से वार करने की हिम्मत रखो, नल्ले नहीं है हम। बस इस राजनीति में हमने भी बहुत कुछ खोया है। अगर बदला लेने निकल पड़े तो ना जाने कितने लोग मारे जाएंगे। अरे जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। तुम दोनों नेता हो हमारी पार्टी के, छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। ज्यादा वक्त नहीं रह गया है इलेक्शन में और हम बिल्कुल नहीं चाहते किसी दूसरी पार्टी की यहाँ पकड़ बने। अब आगे से हमें कोई शिकायत ना मिले, क्योंकि दो गोलियां खरीदने के लिए हम बाजार नहीं जाना चाहते। भाई साहब, दाल मंडी चौक।
दाल मंडी चौक। भाई साहब ये दाल मंडी चौक। हेलो हेलो बेटा, तुम पहुंच गए? जी। वापस कब आना होगा? बहुत जल्दी। अच्छा सुनो बेटा, अपना ख्याल रखना। जी। अरे आ रहे हैं। का हो रामलाल? रामलाल भाई साहब, आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं, यहाँ कोई रामलाल नहीं रहता। हट! अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे ये क्या बदतमीजी, ऐसे कैसे आप किसी के घर के अंदर आ सकते हैं? अंदर तो हम कहीं भी जा सकते हैं किसी भी चीज के लिए। अबे आदमी और एड्रेस दोनों परफेक्ट है, समझे लल्ला? तुम्हें रामलाल हो बे। भाई साहब मैं रामलाल नहीं हूँ, मेरा नाम, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं रामलाल नहीं हूं? आप मुझे जाने दीजिए। साला रे। वेलकम टू काशी। रामलाल भाई साहब, आप जो भी हैं, मैं का है? का लगता है हमारी पर्सनैलिटी देख के कि हम का है? भाई साहब ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप? बोलो बताओ। भाई साहब बोलो बोलो। दर्द हो रहा भाई साहब। बताओ, 10 का नोट देंगे वो भी करारा वाला। देखिए मैं रामलाल हूँ, भाई साहब को भी मैंने बताने की कोशिश की थी लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं रामलाल हूँ। बहुत दर्द हो रहा भाई साहब। तेरे बाप ने हमसे 20 लाख रुपया उधार लिया था, अब हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। पर तुझे देख के लगता नहीं कि तू 20 लाख रुपया दे पाएगा। मैं हाथ जोड़ के बोलूं कि मैं रामलाल नहीं हूं, मैं हर्ष हूं और मेरी शादी होने वाली है। ये देखिए ये मेरी एंगेजमेंट रिंग, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास करने के लिए टाइम चाहिए और टाइम नहीं है हमारे पास। इससे पहले कि गर्मी से खून सूख जाए, हम राजे शुक्ला का खून अपनी रगों पे देखना चाहते हैं। इसके बाप ने मेरे बेटे को मरवा डाला, अब तू इसको मारेगा। मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में मक्खी तक नहीं मारी, तो मैं किसी इंसान को कैसे मार सकता हूं? उठा तमंचा, उड़ा दे, बाकी ये सब तुझे समझा देगा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, उसके बाद तू आजाद, फिर शादी करना, हनीमून पे जाना। 10 का नोट करारा वाला है। बस आज की मीटिंग समाप्त। भाई सब सुनिए तो सही, मैं ओए
चुटन भैया बचा लो, हम सच्ची बता रहे हैं, हम नहीं जानते रामलाल कौन है। बेटा, हम हर